तो कैसे हो दोस्तों, मैं आप सबका अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। मैं हूँ अविचल और आज हम वस्तुओं के समूह बनाना चैप्टर के MCQs करेंगे। तो तैयार हो ना दोस्तों। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, वस्तुओं के समूह किस आधार पर बनाए जाते हैं? उनकी आकृतियों के आधार पर, वे जिस पदार्थ से बनी है उनके आधार पर, ये थर्ड ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड, और फोर्थ ऑप्शन है वो किस काम में प्रयोग होती हैं उसके आधार पर। तो बताओ दोस्तों क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर है थर्ड ऑप्शन, दोनों फर्स्ट एंड सेकंड। तो बताइए पेन किस पदार्थ से बनाया जाता है? प्लास्टिक, धातु, लकड़ी या उपरोक्त सभी? सोचो और कॉपी पर नोट डाउन करो और एंड में बताना कमेंट्स करके कि आपके कितने आंसर सही हैं। इसका आंसर है उपरोक्त सभी। कागज से बनी हुई वस्तुएं कौन कौन सी हैं? फर्स्ट ऑप्शन कुर्सी, सेकंड मेज, थर्ड ऑप्शन पुस्तकें एंड फोर्थ चप्पल। बच्चों ये बहुत ही इजी आंसर है इसका। इसका आंसर है पुस्तकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को बनाने के लिए पदार्थ का चयन किस बात पर निर्भर है? पदार्थ के गुणों पर, उपयोग की जाने वाली वस्तु के प्रयोजन पर, पदार्थ के उपयोग पर, और फोर्थ ऑप्शन है दोनों एक और दो। आंसर है दोनों एक और दो। पदार्थ में जिनमें घूर्ति अथवा चमक होती है उन्हें क्या कहते हैं? लकड़ी, द्रव्य, गैस, धातु। बहुत ही इजी आंसर है इसका। आंसर है धातु। चलो मैं अपनी जगह चेंज कर लूँ थोड़ी, अब यहाँ से पढ़ाएंगे तुम्हें। जिन पदार्थों को संपीड़ित करना कठिन होता है उन्हें क्या कहते हैं? ठोस, द्रव्य, कठोर पदार्थ और कोमल पदार्थ। बताओ क्या आंसर है? कठोर पदार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ठोस पदार्थ जल में मिश्रित करने पर विलुप्त नहीं होता? नमक, चीनी, चॉक पाउडर या उपरोक्त सभी? चॉक पाउडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारदर्शी पदार्थ के इनमें से क्या उदाहरण है? कांच, जल, वायु, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को देख तो सकते हैं परंतु वह स्पष्ट नहीं दिखती उन्हें क्या कहते हैं? पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ, पारभासी पदार्थ या कोई भी नहीं? पारभासी पदार्थ। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ चमकदार है? सूती कमीज, पुस्तक, जूते या स्टील? स्टील।
तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा पदार्थ मेल नहीं खाता? कुर्सी, पलंग, बच्चा, अलमारी। बिल्कुल सिंपल आंसर है इसका, बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लकड़ी का फट्टा क्या है? पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभाषी या उपरोक्त तीनों। अपारदर्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में क्या घुलनशील है? सरसों का तेल, पेट्रोल, चीनी या रेत। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, चीनी। जल के अंदर घुलने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है विलेय, सेकंड अविलेय, थर्ड ऑप्शन ठोस या फोर्थ गैस। विलेय। निम्नलिखित में से बेमेल वस्तु को चुनिए, सोना, चांदी, तांबा, रेत। आंसर है रेत। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल में पाए जाने वाले कौन सी गैस जीवों के जीवित रहने के लिए आवश्यक है? क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन। ऑक्सीजन। कौन सी वस्तु जल में डूब जाती है? पत्थर, सूखे पत्ते, कागज और पाउडर। पत्थर। निम्नलिखित में से कौन सा द्रव नहीं है? हवा, जल, नींबू पानी और शहद। हवा। इनमें से कौन सी गैस जल में घुलनशील नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, सेकंड ऑक्सीजन, थर्ड नाइट्रोजन एंड फोर्थ सल्फर डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन। तो गाइस हमारा आज के एमसीक्यूज यहीं ख़त्म होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और प्लीज़ जाने से पहले मेरे इस यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।